सबसे पहले देख लिया हमने। सो गाइस, हमने अभी तक नेटवर्क सबसे पहले देख लिया। अभी हम उस नेटवर्क्स में सीपीएम नेटवर्क देखेंगे। ओके, सीपीएम नेटवर्क सबसे पहले हम देखेंगे। फर्स्ट इट इज सीपीएम नेटवर्क। ओके, सीपीएम नेटवर्क। ओके, सो डिटरमिनिस्टिक अप्रोच, डिटरमिनिस्टिक अप्रोच है सीपीएम नेटवर्क, है ना। एक्टिविटी ओरिएंटेड डायग्राम, ओरिएंटेड डायग्राम यानी यहाँ पे क्या रहेगा, एक्टिविटी इज वेल नोन, यानी वेल नोन यानी अच्छे से हमको पता है, तो हम उस पे रिसर्च वगैरह नहीं कर रहे, हमको अच्छे से पता है एक्टिविटी क्या है। ओके, रिसर्च के लिए पॉल्ट है, रिसर्च के लिए सीपीएम नहीं है। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी हैज फिक्स्ड ड्यूरेशन, हैंड सीपीएम इज ऑल्सो नोन एज वन टाइम एस्टिमेट, हैंस सीपीएम ऑल्सो नोन एज वन टाइम एस्टिमेट, सॉरी वन टाइम एस्टिमेट। फ्लूट, फ्लूट वगैरह क्या रहेगा वो बताता मैं। फ्लूट कंसेप्ट इज यूज्ड वेयर द फ्लोट इज अ परमिटेड, वेयर द फ्लोट इज परमिसिबल और परमिटेड, परमिसिबल। डिले विथ रिस्पेक्ट टू एक्टिविटी, मुझे नागपुर पहुंचना है, 9 बजे पहुंचना है, लेकिन मुझे लग रहा है 2 घंटे पहुंचने के लिए, 2 घंटे में मैं पहुंच गया था मेरे घर से नागपुर, चंद्रपुर से नागपुर कहाँ तक, मेरे सेंटर तक मुझे लगते हैं 2 घंटे, ठीक, बाकी लोगों को 3 घंटे लगते हैं। तो मैं मेरे रिक्स से, पेपर अगर मेरा 10 बजे का है, मुझे 9 बजे रिपोर्टिंग करनी है, तो मैं 7 बजे निकल जाऊंगा, लेकिन बीच में अगर मेरी गाड़ी पंचर हो गई, बाकी कुछ हो गया, तो मेरा पेपर छूट जाएगा। सो दैट इज रिक्स। सो डिले आप कितना कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स डिले आप कितना कर सकते हैं, मुझे एक्चुअली बाकी लोग 5 बजे निकलते, मैं 7 बजे निकला, मैं 2 घंटे डिले कर सकता, क्योंकि तो मुझे पता है कि मैं 2 घंटे पे पहुंच जाऊंगा, बट मैं वो रिक्स बीच में नहीं ले रहा, कुछ भी नहीं, मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है मैं सेफली पहुंच जाऊंगा, और मैं पहुंच भी गया। ओके, सो लेकिन हर वक्त ऐसे होगा जरूरी नहीं। ओके, सो डिले, डिले का आप कितना डिले आपके पास आप कर सकते, अगर मैं 7 के बाद अगर निकलता था, 7:38 आई एम नॉट अटेंडिंग द एग्जाम, बाहर निकाल देते थे मुझे एग्जाम से, क्योंकि मैं पहुंचता ही नहीं था ना उनके टाइम पे, इसलिए। तो आपको जो टाइमिंग वहां पे अभी आपके पास है, इसके स्लॉट के नीचे पहुंचना है, तो उसके लिए आपके पास एक स्लॉट रहने का, वो अभी मैं सामने और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, प्रोजेक्ट
क्रैशिंग इज पॉसिबल, क्रैशिंग प्रोजेक्ट कैश, क्रैशिंग इज पॉसिबल। ओके, क्रैशिंग वगैरह प्रोजेक्ट होना पॉसिबल है। अब आप कार क्रैशिंग वगैरह मत समझो इसको, ओके, प्रोजेक्ट क्रैशिंग। थोड़े वर्ड्स आपकी कि नहीं, आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आपके वर्ड्स जो भी है वो ऊपर से चले जाएंगे। स्लैक एंड फ्लोट कैलकुलेशन, स्लैक क्या है अभी सबसे पहले, स्लैक एंड फ्लोट कैलकुलेशन। फ्लोट का एक एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया, स्लैक क्या है, स्लैक इट इज एस्टिमेटेड एट इवन, इट इज एस्टिमेटेड एट इवेंट। स्लैक इज इक्वल्स टू लास्ट ऑकरिंग टाइम, सॉरी लेटेस्ट, लेटेस्ट लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम माइनस अर्लीएस्ट ऑकरेंस टाइम। Earliest occurrence time. Okay, let E, it is earliest occurrence time. L, it is latest occurrence time, and DIJ, okay, activity duration. DIJ, it is activity duration. So भाई स्लैक कैसे निकालेंगे, अभी लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम क्या है और अर्लीस्ट क्या है, देखो आए डीआईजे जी, एक आई नोड है एक जे नोड है। आई नोड को थोड़ा मैं बड़ा कर लेता, आई नोड एंड जे नोड उसके बीच का एक्टिविटी ड्यूरेशन डीआईजे, डीआईजे। तो स्लैक एट आई अभी कितना है, स्लैक एट आई, अब मैं अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम पकड़ लेता, यहाँ पे एक अर्लीस्ट टाइम, अर्लीस्ट जे एंड लेटेस्ट जे, मुझे एक्चुअली निकलना था 5 बजे लेकिन मैं निकला 7 बजे। सो स्लैक एल आई माइनस ई आई, 2 घंटे का स्लैक। एक्चुअली मुझे जल्दी पहुंचने के लिए मुझे एक्चुअल नॉर्मल टाइम लगता है कितना, 3 घंटा लगता है नागपुर जाने के लिए, लेकिन मैं निकला कितने बजे, 7 बजे निकला, मुझे 9 बजे पहुंचना था, 9 बजे का टाइमिंग है मेरे पास, पहुंचने का टाइमिंग है मेरे पास 9 बजे का, लेकिन मैं पहुंचा, मैं निकला कितने बजे, मैं निकला, मुझे निकलना था 5 या 6 बजे, ज्यादा से ज्यादा 6 बजे निकलना था, 6 बजे यानी 3 घंटे में मैं पहुंचने को होना था,
6 बजे मुझे निकलना था। अब मैंने कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो गया तो मैं 2 घंटे में पहुंच गया तो भी चलेगा, तो यहाँ पे मेरा 2 घंटे का स्लैक हो गया। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यानी मैं मुझे निकलना था 5 बजे अर्लीएस्ट टाइम, लेकिन मैं निकला लेटेस्ट अभी निकला 7 बजे, तो 2 घंटे का क्या हो गया, स्लैक हो गया। गॉट इट, समझा व्हाट इज स्लैक? ओके, निकलना था 5 AM को, एग्जाम्पल निकला 7 AM को, सो कितने आवर्स का स्लैक हो गया, 2 आवर्स का स्लैक हो गया। समझा क्या? आई ओके नाउ, अभी मुझे पहुंचना था 9 बजे और मैं 9 बजे ही पहुंचा। अर्लीस्ट टाइम मुझे पहुंचना था 9 बजे और 9 बजे ही पहुंचा, यानी ये स्लैक एट आई है। यहाँ पे आप लिख लो स्लैक एट आई, एंड स्लैक एट जे, एल जे माइनस आई जे, 0 0 एग्जैक्ट पहुंचा मैं वही टाइम पर जो टाइम पे मुझे पहुंचना था। ओके, लेकिन इसमें मेरा टायर पंचर हो जाता था, हेवी ट्रैफिक रहती थी, ये रहता था, मेरी एग्जाम मिस होती थी। माइनस स्लैक यानी मिस द एग्जाम, क्रैश द प्रोजेक्ट, क्रैश शिंग प्रोजेक्ट, क्रैशिंग इज पॉसिबल, क्रैश द प्रोजेक्ट, आर यू गेटिंग नाउ? क्रैश द प्रोजेक्ट, एग्जाम को ही मुझे अंदर नहीं लेते थे, भाई चले जा बाहर से बोलते थे। ओके, सो दैट इज क्रैश द प्रोजेक्ट, यानी जाके भी वापस आ रहे बाबा, क्या कोई मतलब ही नहीं था, समझे क्या? ओके, दैट इज अ लाइव एग्जाम्पल एक्चुअली, तभी आपको ये समझ में आएगा, कि नहीं तो आप बोलेंगे ई आई एल आई क्या है बाबा ये, तो दैट इज ई आई यानी अर्लीस्ट, आपको अर्लीस्ट निकलना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, आपको लेट भी हो गया तो भी चलेगा, डिले भी हो गया तो भी चलेगा, लेकिन कितना डिले होगा, लास्ट 7 AM, उससे ज्यादा अगर आप लेट निकल गए आप पहुंच ही नहीं पाओगे, आप पहुंच ही नहीं पाओगे तो क्या हो जाएगा, क्रैश द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्रैश यानी भाई अंदर ही नहीं लेंगे आपको, बाहर से हकल देंगे, चलो निकलो बोलेंगे बाहर तुम्हारा कोई काम नहीं है बोलेंगे आप। ओके, सो दैट इज, अब मैं 2 घंटे के पहले पहुंच सकता था क्या? पहुंच सकता, कोई जरूरी नहीं है कि नहीं पहुंच सकता, लेकिन हाई रिस्क, टेकिंग अ 160 स्पीड, इट इज वेरी ह्यूज। यहाँ पे मैं 100 120 100 120, एक्चुअल स्पीड इट इज 80 KMPH, बट इट इज 100 120 100 120, लेना पड़ता है, सुबह का टाइम रहता है, कोई नहीं रहता है तो लेना पड़ता है। ओके, 100 120 100 120 इट इज पॉसिबल स्पीड, बट सेफ स्पीड ऑन योर हाईवे इट इज 80, 80 के ऊपर अगर आप चले गए तो आपको क्या मिल जाएगा, 1000 रुपीज का चालान। वो भी कैसे मिलेगा, कार खड़ी रहती है, कार आपकी एक कार अर्टिगा कार खड़ी रहती है, वो आपका स्पीड गिन लेती है, तो वो खड़ी रह के गिन लेती है तो आपको ई चालान भी आ जाता है। ओके, सो डोंट, यानी ज्यादा स्पीड स्पीड अप पे नहीं आने का और नहीं जाने का, क्योंकि 1000 रुपीज बचाने हो तो इसलिए अर्ली निकलने का। ओके, अर्ली निकलने का, तो स्लैक एट जी जहाँ पे पहुंचे अपन नागपुर में वहां पे 0, स्लैक एट आई चंद्रपुर, चंद्रपुर में 2 घंटे का स्लैक, 2 घंटे का डिले है। ओके, अर्लीएस्ट टाइम, व्हाट इज अर्लीएस्ट टाइम? अर्लीएस्ट ऑकरेंस टाइम, प्लीज नोट दिस थिंग, अर्लीएस्ट ऑकरेंस टाइम, द प्रोजेक्ट, लिखो लिखो गाइस, द प्रोजेक्ट कैन बिगन, द प्रोजेक्ट कैन बिगन एट अर्लीएस्ट 5 बजे, प्रोजेक्ट कैन बिगन एज अर्लीएस्ट, एज अर्लीएस्ट, एज अर्लीएस्ट, दैट इज आई डॉट ई, दैट इज ओके, दैट इज अर्लीएस्ट ऑकरेंस टाइम, अर्लीएस्ट ऑकरेंस टाइम
फर्स्ट इवेंट अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम एट फर्स्ट इवेंट इज इक्वल टू जीरो. एट फर्स्ट इवेंट इट इज इक्वल टू जीरो. प्लीज नोट दैट थिंग. एट फर्स्ट इवेंट इट इज इक्वल टू जीरो. अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम एट फर्स्ट इवेंट इज इक्वल टू जीरो. ओके इट इज इक्वल टू जीरो. नेक्स्ट 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 लाइन लिख लिया यहां तक. नेक्स्ट लाइन देखो. फॉरवर्ड पास टेक्निक. फॉरवर्ड पास टेक्निक. फॉरवर्ड पास टेक्निक इज यूज टू कैलकुलेट रिमेनिंग इवेंट. फॉरवर्ड पास टेक्निक. क्वेश्चन आता बाबा. क्वेश्चन आता. ओके. फॉरवर्ड पास टेक्निक इज यूज टू कैलकुलेटिंग रिमेनिंग इवेंट. इज यूज टू कैलकुलेटिंग रिमेनिंग इवेंट. Is used to calculating remaining event. Earliest occurrence time. Next line, Earliest occurrence time of last event. Will give project completion time. Will give project completion time. अगर मैं 9 बजे नहीं पहुंचता था project crash होता था. That is project completion time. Okay. ये एक लाइव एग्जांपल आपको लेके चलना पड़ेगा तो ये आपको ये समझेगा. ओके नहीं तो ऑल दिस गोज टेंजेंटली. ओके सीपीएम इज नॉट हार्ड. इट्स वेरी इजी. वेरी वेरी इजी. द लैंग्वेज दे यूज दिस इज हार्ड फॉर अस बिकॉज ऑफ योर. We use engineering language. This is used in management language. Management language. We are not familiar to management language. Okay. So next. Next it is. ड्यूरेशन ऑफ आई जे. डी आई जे है ना. ड्यूरेशन ऑफ आई जे. अर्लीस्ट टाइम एंड अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम. जी तो ये पता नहीं रहता आपको. तो ये कैसे निकालना. ये इस तरह निकालना के ई जे इट इज इक्वल्स टू ई आई प्लस डी आई जे. डी आई जे इस तरह आपको निकालना पड़ेगा. ओके नेक्स्ट. अब अगर मेरा ये है आई एंड के है और यहाँ पे एक जे है और ये ऐसे एक्टिविटी है तो डी आई के हो गया ये और डी जे के हो गया ये. तो ये ई एट के क्या रहेगा. तो ये तो आपको पता रहेगा. एक ये जीरो जीरो ही पकड़ना पड़ेगा आपको. ओके तो ये कैसे निकालोगे आप. ये आपको नहीं पता रहेगा. तो E it is equals to E K it is equals to maximum of E I plus D I K E J plus D J
ठीक, इन दोनों में से मैक्सिमम। अब क्यों मैक्सिमम भाई, क्यों मैक्सिमम? देखो हिसाब की एग्जांपल देख लेते आप, एग्जांपल देखेंगे तो अपने को जल्दी पता आता। जैसे आपको ये समझ गया, एग्जांपल आपने देखा तो स्लैक, ओके, वैसे आपको ये समझ लेते हैं अभी, ओके, कि मुझे मेरे पास दो रूट है मेरे सेंटर पे जाने के लिए, मुझे 15 मिनट लगने वाले हैं। मैं नागपुर में एंट्री ले लिया, मेरे पास दो रूट है। एक रूट में मुझे सिग्नल ज्यादा लग रहे हैं, एक रूट में मुझे स्ट्रेट रोड है लेकिन नैरो रोड है, तो चांसेस है कि उसमें ट्रैफिक लग सकता। ओके, सो मैं सीधा सीधा अभी आपको सीधा सीधा मैं बता देता, मैं दोनों इससे मुझे यहाँ पे पूछना है। एक ये रूट है, एक ये रूट है, मैं नागपुर में एंट्री कर लिया। ओके, सो मैं क्या करूंगा, अब मुझे दोनों रूट है तो दोनों रूट में से एक में सिग्नल ज्यादा है, एक में नैरो रूट है। तो अभी यहाँ पे मुझे अगर यहाँ पे 20 मिनट लग रहा है, सपोज सपोज मुझे यहाँ पे कितना लग रहा है, 20 मिनट्स लग रहा है, 20 मिनट्स, और यहाँ पे मुझे 30 मिनट लग रहा है। तो ये मेरा सिग्नल वाला है और ये मेरा नैरो रूट है। तो मुझे अब मुझे पता है कि सुबह सुबह सिग्नल्स नहीं रहेंगे, तो मैं यहाँ से लेके जाऊंगा तो मैं जल्दी पहुंचूंगा, लेकिन चांस भी है कि मैं ये भी सोच सकता कि सिग्नल्स में ज्यादा टाइम जाएगा, दो दो मिनट का टाइम जाएगा, तीन चार सिग्नल होंगे, तो मैं क्या करूंगा कि मैं इधर से जाऊँ चले जाऊंगा तो मैं पहले से ही 10 मिनट लेट हो गया। तो यानी आपका अल्टीमेटली ई के क्या हो गया, 30 मिनट हो गया। कितना हो गया, 30 मिनट हो गया मैक्सिमम। सोच सकता ना, मैं ये सोच सकता कि नहीं बा, मेरे को ज्यादा टाइम लग सकता, ब्रेकिंग वगैरह लगाना पड़ेगा, वहां पे भी ये रहेगा सिग्नल्स मैं तोड़ नहीं सकता, वहां पे भी मुझे 500 रुपीज की फाइन है। तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली नैरो रूट से चल जाऊंगा, लेकिन नैरो रूट पे मेरा नसीब बेकार के, नैरो रूट पे जैसे ही मैं सोच रहा वैसे ही सब लोग सोच रहे और सब लोगों ने कैसे कि नैरो रूट से गाड़ी डाल दी, तो नैरो रूट से आपको ट्रैफिक मिल गया, तो ट्रैफिक मिलने के कारण मुझे 30 मिनट लगे। सो माय ई के इट इज 30 मिनट। मैं यहां से भी आता था तो भी मुझे कैलकुलेटेड प्रोजेक्टेड टाइम के मुझे वहां पे पूछना है, तो मुझे 30 मिनट बिफोर ही निकलना है क्योंकि मुझे 30 मिनट लग सकते, ये मुझे सोचना पड़ेगा। फिर डेली मैं यही सोचूंगा, अरे भाई यहां से भी गया तो भी मेरा 20 मिनट में हो रहा, लेकिन यहां से भी मुझे 30 मिनट लग सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे ट्रैफिक मिला वैसे यहाँ पे भी मिल सकता मुझे, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं मैक्सिमम वाला टाइम यहाँ पे के जगह पहुंचने के लिए मैं करूंगा, के इज माय सेंटर, के इज माय कोचिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर या फिर कन्नमवार दादाबाई, कन्नमवार कॉलेज, केडीके कॉलेज, जहाँ पे मुझे पहुंचना है केडीके कॉलेज में, तो केडीके कॉलेज में मुझे पहुंचना है दैट के, तो उसके लिए मुझे 20 मिनट लग रहे हैं एक जगह से और एक जगह से 30 मिनट लग रहे हैं, तो मैं 30 मिनट कंसिडर करके ही चलूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? यस सर। नेक्स्ट, अभी अर्लीस्ट देख लिया, अभी लास्ट भी देख लेते, एल एल आई, ओके। लास्ट में लेटेस्ट, लेटेस्ट है ना, अभी तो भी निकलना पड़ेगा बाबा, अभी नहीं निकले तो कभी नहीं निकले। ओके, अभी से पढ़ाई चालू नहीं की तो फिर गेट के बाद फिर से 1 साल नहीं, अभी से चालू करना पड़ेगा। ओके, अच्छे से वो भी, तो ये टाइमिंग है आपका अभी लेटेस्ट वाला, अर्लीस्ट तो था जब से आपने ज्वाइन किया जनवरी, अर्लीस्ट था, अभी से लेटेस्ट करना ही पड़ेगा कुछ भी करके पढ़ाई। हाँ, लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम, लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम, लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम, ये लेटेस्ट भी ही पता है भाई, लेटेस्ट यानी अभी 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 तो भी निकलो नहीं तो लेट। ओके, ये मैंने बहुत बार बोल दिया, तो आप लिख लो अभी इसको। ओके, द प्रोजेक्ट इज स्टार्ट, द प्रोजेक्ट इज स्टार्ट, द प्रोजेक्ट इज स्टार्ट,
प्रोजेक्ट इज स्टार्ट बेस्ड ऑन इट्स ड्यू डेट ड्यू टाइम मेरे पास 7 AM था, ड्यू डेट भी मेरे पास है अभी, ड्यू डेट इट इज टूडे, आज से करो, आज से अगर नहीं करोगे स्टार्ट, कल से करोगे कल कभी नहीं आएगा, और आपके पास टाइम कम है, अगस्त अभी लग रहा है, अगस्त नवंबर सितंबर अक्टूबर दिसंबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने, नवंबर दिसंबर 4 5 5 महीने, इसमें से अक्टूबर से आपका कॉलेज स्टार्ट हो रहा, तो प्रॉब्लम हो सकता, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता, टाइमिंग नहीं मिल सकता, इसलिए 5 मंथ्स फॉर गेट, ओके 5 मंथ्स फॉर गेट, जनवरी इट इज फॉर रिवीजन ओनली, ओनली रिवीजन, ओनली क्वेश्चन सॉल्विंग, देयर इज नो नीड टू रीड न्यू थिंग्स, न्यू थिंग्स बिल्कुल नहीं देखना, न्यू थिंग्स जो भी देखना है वो अभी देख लो, पुराना पूरा पूरा रिवाइज कर लो, अभी से ही स्टार्ट करो, अभी से ही आपके 30+ मार्क्स आने को, दैट इज अ पार्ट, ओके। तो आपने कहा तक लिखा, आपने लिखा द प्रोजेक्ट इज स्टार्ट बेस्ड ऑन इट्स ड्यू डेट, 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 If due date is not given, then the project completion time, is considered as due date. Project completion time is considered as due date. Okay. कंप्लीशन टाइम है ना, अब मुझे नहीं पता था कि मुझे कितने बजे निकलना है, लेकिन मुझे ये पता था कि 9 बजे के पहले निकलना है, 9 बजे के पहले वहां पे पहुंचना है, दैट इज कंप्लीशन टाइम फॉर मी, 9 बजे के पहले पहुंचना है, अब मुझे पता है कि मेरी ड्राइविंग कैसी और मैं कितने देर में पहुंच सकता, तो इसलिए मैंने 7 बजे निकला, अगर मुझे मेरे ड्राइविंग पे भरोसा नहीं था, मैं अगर बस से निकलता था तो मैं पहुंचता ही नहीं था, सीधी सीधी बात थी, बस से निकलता था तो मैं पहुंचता ही नहीं था, इसलिए आपको कंप्लीशन टाइम भी अगर पता रहा तो भी आप लेटेस्ट टाइम स्टार्ट का पता कर सकते हैं, ओके। सो लेटेस्ट ऑकरेंस, टाइम ऑफ लास्ट इवेंट, is equals to project completion time, last event, not a first event, तो आप बोलेंगे हाँ first event के लिए बोल रहे हैं, no, that is last event, okay, तो यहां पे forward past technique थी earliest के लिए, लेटेस्ट के लिए बैकवर्ड पास टेक्निक, लिखो बैकवर्ड पास टेक्निक, क्वेश्चन आता बाबा फॉरवर्ड पास टेक्निक और बैकवर्ड पास टेक्निक, फॉरवर्ड पास टेक्निक फॉर अर्लीएस्ट, बैकवर्ड पास टेक्निक फॉर लेटेस्ट, ओके। पास टेक्निक, बैकवर्ड पास टेक्निक, इट इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग द रिमेनिंग इवेंट, जैसे कि
अभी एल आई मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये तो पता है कि एल जे मेरा क्या है, ये मुझे पता है। तो ये मैं कैसे निकाल सकता, एल आई इट इज इक्वल टू एल जे माइनस ड्यूरेशन ऑफ आई जे, मैं निकाल सकता। बैकवर्ड हो गया ये, प्लस करना यानी फॉरवर्ड, माइनस करना यानी बैकवर्ड। प्लीज नोट दिस थिंग, यहाँ पे मैंने प्लस किया था, दैट इज फॉरवर्ड टेक्निक, यहाँ पे मैं माइनस कर रहा, बैकवर्ड टेक्निक। गॉट इट? होगी, दैट इज बैकवर्ड टेक्निक। आओ अभी फिर से अपन देख लेते हैं। आए और अभी के है यहाँ पे, और अभी ये जे भी है यहाँ पे, तो ये एल के भी मुझे पता है और एल जे भी मुझे पता है। ओके, एल के और एल जे भी पता है, लेकिन एल आई नहीं पता मुझे। तो मैं क्या लूंगा गाइस, लगाओ दिमाग, मैक्सिमम लूंगा मिनिमम लूंगा, क्या लूंगा इसके लिए? एल आई इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एल के माइनस डी आई के, एल जे माइनस डी आई जे ड्यूरेशन ऑफ आई जे। ओके, दैट इज इन मिनिमम, इन दोनों में से जो भी मिनिमम रहेगा वो रहेगा मेरा। लेटेस्ट के लिए मिनिमम, अर्लीस्ट के लिए मैक्सिमम, प्लीज नोट दिस थिंग। ओके, लेटेस्ट के लिए मिनिमम, अर्लीएस्ट के लिए मैक्सिमम। अब मिनिमम क्यों भाई, क्यों मिनिमम, यानी ये भी क्यों, अब इसका भी एक एग्जांपल ले लेते। ओके, मिनिमम क्यों, मिनिमम का एग्जांपल मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको पहले ही दे दिया था। तो मुझे 7 बजे पहुंचना था, मुझे सॉरी मुझे 9 बजे पहुंचना, मुझे 9 बजे पहुंचना है कुछ भी करके। मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं बस से जा सकता या फिर मैं अपने कार से जा सकता। ओके, सो मैं बस से जा सकता, कार से जा, बस से गया तो मुझे 5 बजे निकलना है, कार से गया तो मुझे 7 बजे निकलना है, कार से गया तो मुझे 7 बजे निकलना है। सो द ड्यूरेशन टाइम इट इज हियर टू आवर्स फॉर कार, फॉर 4 आवर्स। ओके, सो मुझे पूछना है 9 AM को, ये तो पता है, 9 AM को मुझे निकलना है, 9 AM को मुझे पूछना है, ये मुझे पता है। तो मुझे निकलना कितने बजे होगा, 5 बजे निकलना होगा, दैट इज 4 आवर माइनस, 5 बजे निकलना होगा, दैट इज एल आई, दैट इज एल आई। अगर मेरे पास सपोज कार कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे कुछ भी करके 5 बजे निकलना होगा, लेकिन मैं 7 बजे तक निकल सकता, कार का ऑप्शन ही है मेरे पास, ये नीचे का ऑप्शन बस का ऑप्शन नहीं है, तो मैं 7 बजे निकल सकता। लेकिन मेरे पास बस और कार दोनों में है, मेरे पास कार का कुछ भी हो सकता, मेरे कार नहीं यानी कार का प्रॉब्लम है, यानी मेरे पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है ना, दो ये है ऑप्शन है, यानी दो रास्ते है मेरे पास जाने के लिए। मुझे कार मेरी पॉसिबल नहीं हो सकती, कार के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम जा सकता है, कार नहीं मिल सकती, तो मुझे कार के लिए निकलना पड़ेगा, ये 5 बजे मुझे कुछ भी करके निकलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पहुंचना है सेंटर में। गॉट इट? यहाँ पे मुझे 9 बजे पहुंचना था, मेरे पास कार ही है सिर्फ और सिर्फ, मुझे 9 बजे पहुंचना था, मुझे 2 घंटे लगेंगे कार से, तो मैं 7 बजे निकलूंगा। ओके, 7 बजे मैं निकलूंगा, सीधी सीधी बात है। लेकिन दो ऑप्शंस रहेंगे, मिनिमम वाला लेना है। अब बोलेंगे सर यहाँ पे तो मैक्सिमम लिया, मिनिमम क्यों आप बोल रहे हैं? किसी ने भी यानी दोनों ने भी अभी क्वेश्चन नहीं उठाया, दैट इज मैक्सिमम ना,
विच इज मिनिमम, कार इज मिनिमम ना गाइस, 7 AM, यानी 2 आवर्स लेना है। ओके, दिस इज मिनिमम ना, दिस इज मैक्सिमम, तो मिनिमम वाला लेके चलूंगा मैं, नहीं तो ये और ये डिफर नहीं होगा क्या? आप सुन ही रहे, नाइन माइनस फोर सर फाइव खालसू से लगी ना सर गया। नो, मिनिमम ड्यूरेशन। अच्छा, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। खालसा घ्यावा लागेल, सॉरी, 5च घ्यावा लागेल तुम्हाला मिनिमम टाइम, दॅट इज मॅक्झिमम ड्युरेशन 5च घ्यावा लागेल, सॉरी 5 mm ही लेना पडेगा, क्योंकि मिनिमम ऑफ दिस टू ना, तो मिनिमम ऑफ दिस टू आपका 5 AM ही मिनिमम है, 5 ही मिनिमम है, 7 मैक्सिमम है, तो 5 ही लेना पड़ेगा। सॉरी, वी टुक वन एग्जाम्पल, तब आपको ये पूरा समझ जाएगा। वी टुक वन एग्जाम्पल, ओके, अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट न्यू कंसेप्ट, दैट्स नॉट सम न्यू न्यू कंसेप्ट एक्चुअली, आपने ये किया होगा आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले इसमें, अगर आपको सिखाया होगा तो। ए इट इज इक्वल टू 4 आवर्स, टू बी इट इज इक्वल टू 3 आवर्स और 3 डेज, फोर सी इट इज इक्वल टू 4, डी इट इज इक्वल टू 2, इट इज इक्वल टू 3 एंड एफ इट इज इक्वल टू 4। अब ये हो गया, अभी आपको पूछा है कि अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम कितना है, यहाँ पे ऐसे डब्बा बना लेने का, पहले इधर मैं अर्लीस्ट लिखूंगा और इधर इधर मैं लेटेस्ट लिखूंगा, नेक्स्ट यहाँ पे डब्बा बना लेने का, अर्लीस्ट लेटेस्ट यहाँ पे भी डब्बा बनेगा, यहाँ पे भी डब्बा बनेगा और यहाँ पे भी डब्बा बनेगा, सब जगह डब्बे बना लो। ओके, अब देखो, अब इसको सॉल्व कैसे करना, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। ओके, ये पहले डब्बे डब्बे बना दिए पूरे के पूरे, ये पहला पहला आपको सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क देखे था, डब्बे डब्बे अपने बना लिए, उसके बाद स्टार्ट विथ 0, 0 से स्टार्ट करता है, बारिश बहुत अच्छे से चालू है बाहर, स्टार्ट विथ 0 0, हियर इज 0, हियर इज 0, स्टार्ट विथ 0 0, इन क्रिटिकल पाथ, पाथ स्लैक इज 0, द स्लैक एंड फ्लोट इज 0, स्लैक एंड फ्लोट इज 0, स्लैक मैंने आपको अभी बताया था 9 बजे पूछना था, मैंने 9 बजे पूछा, स्लैक इज इक्वल टू 0,
क्रिटिकल था मेरे लिए, क्रिटिकल टाइम था, मैं क्रिटिकल टाइम पे पहुंच गया। तो वही चीज, क्रिटिकल पाथ पे स्लैक आपका जीरो है, फ्लोट भी आपका जीरो है, फ्लोट इट इज इक्वल टू जीरो, स्लैक इट इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले क्रिटिकल पाथ देखना पड़ेगा। सो आपको पाथ एंड ड्यूरेशन दोनों देखना है, पाथ और ड्यूरेशन। सो पाथ, अब मैं पाथ कौन सा देखूंगा यहां पे, मेरे पास कितने पाथ है गाइस, 1 2 3 सेकंड थर्ड, थ्री पाथ, ए बी ई, ए बी डी एफ, ए सी ए सी ए सी एफ, ए बी ई, 3 प्लस 3 प्लस 4 7, 7 3 10 10, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 4 13, द नेक्स्ट 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, विच इज क्रिटिकल, सेकंड वर्ड इज क्रिटिकल, दिस इज क्रिटिकल पाथ। डबल लाइन कर दो इसको, तो ये क्रिटिकल पाथ है अभी। ओके तो क्रिटिकल पाथ हो गया। सो अभी क्रिटिकल पाथ अगर हो गया तो सबसे पहले अर्लीस्ट टाइम लिख लो, फर्स्ट स्टेप्स, ये स्टेप्स है, ये स्टेप्स है, आपको हर वक्त लिखना नहीं पड़ेगा, आपको पता कर लो, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री। ओके सो फर्स्ट टेक अर्लीएस्ट पॉइंट्स, ओके सो यहां पे अर्लीएस्ट मुझे लिखना है, तो इसके लिए अर्लीएस्ट के लिए क्या हो जाएगा मेरे लिए, 0 प्लस 4 यानी 4। इसके बाद अर्लीएस्ट देखना है, अभी अभी आपके पास यहां पे जाना है और यहां से ऐसे ही जाना है, अभी दो रहेंगे आपके पास, तो मैक्सिमम वाला लेना है। ओके मैक्सिमम वाला लेना है, यहां से यहां पे आप जाओगे तो यहां पे आपके पास दो है, यहां पे आपके पास एक ही है, यानी 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7, 4 प्लस 3 7। ओके बैटरी क्लोज होंगी प्लीज बता देना, बैटरी क्लोज हुई करके। ओके और यहां पे आपके पास क्या है, यहां पे आपके पास दो है, दो कौन से है, 4 प्लस 4 8 एंड 4 प्लस 3 प्लस 2 9, तो मैक्सिमम कौन सा है, 9, 9 इज द मैक्सिमम, तो 9 रहेगा। ओके क्रिटिकल पाथ से ही आना डायरेक्टली, वही बेटर रहता, क्रिटिकल पाथ से आना, इन दोनों में से मैक्सिमम लेना पड़ता है यहां पर, दोनों में से मैक्सिमम दैट इज ई ई, आप ई का जैसे आप लिख रहे हैं वैसे आपको एल का भी लिखना पड़ेगा। ओके तो उसके लिए इधर साइड भी जगह छोड़नी पड़ेगी आपको। अब यहां पे मैं आ सकता, यहां पे मेरा क्या आ सकता है, यहां पे मेरा 9 प्लस 4 13, ओके एंड हियर 7 प्लस 3 10, लेकिन मुझे मैक्सिमम लेना है दैट इज 13। यहां पे मैं क्या लिखूंगा, ई इट इज इक्वल टू 9 प्लस 4 एंड ई इट इज इक्वल टू 7 प्लस 3, तो वी टुक दिस मैक्सिमम। ओके अब ये 13 है तो स्टेप नंबर 4, टेक लास्ट लेटेस्ट पॉइंट, लास्ट लेटेस्ट टाइम इज इक्वल टू लास्ट अर्लीएस्ट टाइम, यानी 13 का 13 लिख देने का, सीधा सीधा 13 का 13 मैंने लिख दिया। ओके 13 का 13 मैंने लिख दिया, अब लास्ट लेटेस्ट टाइम इक्वल्स टू लास्ट अर्लीएस्ट टाइम, लास्ट अर्लीएस्ट टाइम 13 है तो लेटेस्ट टाइम भी मेरा क्या हो गया, 13 ही हो गया,
13 ही हो गया. ओके सो 13 अभी मेरा यहां पे मुझे निकालना है. 13 माइनस 4 है यहाँ पे क्या रहेगा, 13 माइनस 4 यानी 9. तो 9 माइनस 9 स्लैग इट इज इक्वल टू 0. नोट दैट थिंग, स्लैग इट इज इक्वल टू 0. 9 माइनस 9 स्लैग इट इज इक्वल टू 13 माइनस 13 स्लैग इट इज इक्वल टू 0. लास्ट में, लास्ट इवेंट में स्लैग इट इज इक्वल टू 0 रहता, फर्स्ट और लास्ट इवेंट में स्लैग इट इज इक्वल टू 0 रहता. अभी अभी देखा अपन ने, और क्रिटिकल पाथ में भी स्लैग इट इज इक्वल टू 0 रहता. ओके तो अभी यहाँ पे मिनिमम लेना है मुझे. ओके मिनिमम अभी यहां से यहां पे जाऊंगा मैं, 13 माइनस 3 10 हो रहा, और यहाँ पे 9 माइनस 2 कितना हो रहा, 7 हो रहा. तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, 7. कैसे लूंगा मैं देखो, 13 माइनस यानी एल इट इज इक्वल टू 13 माइनस 3 10 है, और एल इट इज इक्वल टू 13 माइनस यानी 9 माइनस 2 है यानी 7 है. तो मैं कौन सा लूंगा, मिनिमम. ओके मिनिमम मैं लूंगा. अभी देखो, अभी 7 माइनस 3 है और यहाँ पे 9 माइनस 4 है. यहाँ पे एल इट इज इक्वल टू क्या है, 7 माइनस 3 है, और एल इट इज इक्वल टू क्या है, 9 माइनस 4 है. तो 9 माइनस 4 कितना है, 5. हाँ ओके, एंड 7 माइनस 3 कितना है, 4 है. तो मुझे 4 लेना पड़ेगा. ओके स्क्रीन ऑफ हो गई. बैटरी इज ऑफ गाइस, 1 मिनट. ये आता है सीपीएम और पर्ट फ्लोट वगैरह आपको निकालने के लिए आता है. दैट इज वेरी इजी कंसेप्ट एक्चुअली, बस इसका रिवीजन नहीं होते है करके हम भूल जाते हैं ये चीज. तो अपने को रिवीजन जो है वो कंटिन्यू रखना पड़ता है. अगर रिवीजन अपन ने इसकी कंटिन्यू रखे तो ये 2 मार्क बिल्कुल नहीं जाते, 2 से 3 मार्क के लिए आता है ये. 2 से 3 मार्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इतने इसका सिलेबस भी बहुत छोटा है, सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है. 2 से 3 मार्क के लिए यानी 3 से 4 मार्क के लिए आपको ओपन चैनल फ्लो भी आता. ओपन चैनल फ्लो इट इज वेरी ह्यूज सिलेबस. ओपन चैनल फ्लो क्या है, बहुत बड़ा सिलेबस है. लेकिन एज कम्पेयर टू ओपन चैनल फ्लो अगर मैं ये सिलेबस देखता तो इट इज वेरी लेस सिलेबस. तो ये वेरी लेस सिलेबस आपको अच्छे से करना है. ओके ओके दैट इज एल इट इज इक्वल टू 7 माइनस 3 4 हो गया, एंड 9 माइनस 4 5 हो गया. तो मैं क्या लूंगा, 4 लूंगा. ओके मैं क्या लूंगा, 4. समझ गया ये, अभी इसमें कोई डाउट. स्लैक इट इज इक्वल टू 0 एट ऑल द पॉइंट. स्लैक और फ्लोट कहीं नहीं निकल रहा है, स्लैक और फ्लोट कहीं नहीं निकल रहा. सर लेटेस्ट टाइम सम सर एक्सप्रेस बघा, हाँ अर्लीस्ट झाला, हाँ लेटेस्ट तशा तसा मी लिहून टाकणार. लेटेस्ट इट इज इक्वल टू अर्लीएस्ट, लास्ट पद आहे. ओके त्याच्यानंतर मी इथून 13 माइनस 4 करीन. 13 माइनस 4 कर दिया मैंने तो कितना आ गया, 9 आ गया. 13 माइनस 3 कर लिया तो 10 आया, और यहाँ पे 9 माइनस 2 करूंगा मैं तो 7 आया. तो मिनिमम कौन सा है, मिनिमम ये है. तो मिनिमम लेना पड़ेगा, अर्लीएस्ट मैक्सिमम लेटेस्ट मिनिमम. ओके बाद में 7 माइनस 3 4 आएगा, और 9 माइनस 4 5 आएगा. तो मिनिमम कौन सा है, दैट इज मिनिमम. सो मैं मिनिमम ले लूंगा, मिनिमम ले लिया मैंने. ओके बाद में ये तो क्या रहेगा आपका, 0 0, पहले ही 0 0 लिख दो, ऐसे बोला है 0 0 लिख देना, 0 आने कोई बात, 0 आता ही. ओके अब ये बाकी नेटवर्क डायग्राम में अपन अच्छे से और देखेंगे, बाकी नेटवर्क डायग्राम में और अच्छे से अपन देख लेंगे. ओके ओके बैकवर्ड पास टेक्निक, क्रिटिकल पाथ, लेस लास्ट लास्ट पॉइंट क्रिटिकल पाथ.
है ना, टू डेज लेक्चर लास्ट पॉइंट, नॉट अ लास्ट पॉइंट फॉर दिस, ओके, टू डेज लेक्चर लास्ट पॉइंट। क्रिटिकल पाथ, लॉन्गेस्ट पाथ लिख लो, लॉन्गेस्ट पाथ इन अ प्रोजेक्ट, लॉन्गेस्ट पाथ इन अ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट हेड वर्क, प्रोजेक्ट हेड वर्क, लॉन्गेस्ट पाथ इन अ प्रोजेक्ट हेड वर्क, प्रोजेक्ट हेड वर्क, इट कंज्यूम मैक्सिमम रिसोर्सेस, it consume maximum resources including time, it consumes maximum resources including time, it decides the project duration, it decides the project duration, it decide the project duration, okay, the minimum time for completion of project, the minimum time for completion of project is equals to critical path duration, total slack along the critical path is equals to zero, total float along the critical path is again zero. Note, slack a critical event, is zero. Float for critical event, float for critical event, event zero. Slack and float value are applicable for non-critical event, or path, non-critical event or path, non-critical event or path. Non-critical event or path, guys. Okay, so we took one example, that is the last part, one example. इससे आपको पता चल जाएगा slack और float क्या है, तो आपको आप समझ लोगे कि यानी क्या रहेगा करके. Float और total float अपन next इसमें लेंगे, next इसमें लेंगे हम एक example, एक small example हम ले लेते हैं, ठीक है. One small example.
एक्टिविटी ड्यूरेशन 1 to 2 7, 1 to 3 5, 1 to 4 4, 2 to 5 6, 3 to 5 3, 4 to 6 5, and 5 to 6 4. That is activity, that is duration. Okay, please draw the network. Draw our network, please. Draw the network, please. One, one, one. पहले नोड से तीन निकल रहा. सॉल्यूशन. टू निकल रहा. थ्री निकल रहा. फोर निकल रहा. सेवन है. फाइव है और फोर है. देन टू से फाइव निकल रहा. टू से फाइव लास्ट है. टू से फाइव. फाइव क्या है? टू से फाइव. फाइव टू सिक्स है फिर, यानी फोर टू सिक्स. सो आपका 2 to 5 कितना है? 6 है. देन 3 to 5 3 है. 3 to 5 कितना है? 3 है. देन 4 to 6 4 to 6 4 to 6. एक यहाँ पे गई तो भी मैं ले लेता है एक इवेंट. 4 to 6 दैट इज 6. 4 to 6 5 है. एंड देन 5 to 6 4 है. ओके, ये थोड़ी और बड़ी निकालनी पड़ेगी क्योंकि ऐसी है, यहाँ पे सब कुछ आने को ना. तो मैं पहले छोटी डायग्राम निकाल लूंगा हर वक्त पेंसिल से, देन उसको मैं बड़ा कर लूंगा. क्यों बड़ा करूंगा? क्योंकि मुझे वहां पे डब्बे बनाने हैं. डायग्राम पहले बराबर बनने को ना. बाद में पेंसिल से मैं उसको मिटा दूंगा, यानी पेंसिल यूज करके मैं उसको मिटा दूंगा. अब मुझे यहाँ पे डब्बे बनाने हैं. अब मुझे यहाँ पे क्या बनाना है? डब्बे. मुझे स्लैक चाहिए. अभी स्लैक वगैरह सब कुछ चाहिए. यहाँ पे मैं 00 बिंदास लिख देता. अब यहाँ पे आप क्रिटिकल डायरेक्टली जा सकते हैं. डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं. क्रिटिकल पाथ आपको डायरेक्ट निकालने की जरूरत नहीं है. आप यहाँ से भी कर सकते हैं. शॉर्टकट इसका भी है. अब देखो अर्लीस्ट में क्या होता है? दिस प्लस दिस 7 होगा. दिस प्लस दिस 5 होगा. दिस प्लस दिस कितना होगा? आपका 4 होगा अर्लीस्ट. अर्लीस्ट देखो, अर्लीस्ट आप एक बार देख लो. यहाँ पे आपको क्रिटिकल पाथ अपने आप मिल जाएगा. ओके, यानी आपको क्रिटिकल पाथ और ड्यूरेशन करने की जरूरत नहीं है जैसे हम अब तक करते आ रहे थे. किया तो भी अच्छी बात है, कोई गलत बात या फिर कोई बेकार बात नहीं है. ओके, आपने किया वैसे भी किया तो भी चलेगा. जैसे अपन अभी तक नेटवर्क डायग्राम्स में करते आ रहे थे वैसे भी किया तो भी चलेगा. ओके, सो अभी
अभी मुझे यहाँ पे अर्लीस्ट टाइम, तो अर्लीस्ट टाइम मेरा मैक्सिमम रहने को ना, तो 7 + 6 मेरा कितना रहेगा, 13। ओके 7 + 6 में 13, एंड 8 + 5 यानी 5 + 3 8, तो मेरा क्या रहेगा 13, इट इज मैक्सिमम। देखो यहाँ पे मैं फिर से लिख लेता, ई इट इज इक्वल टू 7 + 6 13, ई इट इज इक्वल टू क्या रहेगा मेरा, ई इट इज इक्वल टू, ई इट इज इक्वल टू 5 + 3, बड़ा कौन है, टेक बड़ा, छोटे को छोड़ दो। ओके देन 13 + 4 यानी कितना हो रहा, 13 + 4 आपका यहाँ पे ई के लिए मैं निकाल लेता 13 + 4, या फिर ऊपर ही लिख लेता ई के लिए, नीचे अपन इसका लिखेंगे लेटेस्ट का, ई के लिए 13 + 4 17 है। अब इधर से देखेंगे कितना आता था। ओके सो यहाँ पे 4 + 5 9 है, तो आपका क्या है 17 ही रहेगा। अब यहाँ पे 17 है तो बिंदा से यहाँ पे 17 लिख देने का, यानी E it is equals to L रहने को लास्ट वाला। ओके तो आपका क्रिटिकल पाथ कौन सा हो गया, फिर क्रिटिकल पाथ आपका हो गया दस दस एंड दस, दैट इज अवर क्रिटिकल पाथ। समझे क्या, पहले एक बात बता दो आप, E से ही निकाला, L छोड़ दो, E से ही निकल जाता। देखो यहां पे ई मेरा 4 रहेगा, यहाँ पे ई मेरा 5 रहेगा, यहाँ पे ई मेरा 7 रहेगा। ओके तो इसमें से मेरा 7 बड़ा, 7 + 6 13 बड़ा हो रहा, 5 + 3 8 हो रहा, तो मैं 13 बड़ा वाला लूंगा, 13 + 4 17 हो रहा, 13 + 4 17 हो रहा, 4 + 5 कितना हो रहा, यहाँ पे 4 + 5 9 हो रहा, तो 9 बड़ा है या 17 बड़ा, 17 बड़ा है, इसलिए 17 को 17 ले लिया। अब लेटेस्ट उल्टा जाते हैं, अभी लेटेस्ट उल्टा जाते हैं। ओके उल्टा जाएंगे अभी, अभी ये जो है क्रिटिकल पाथ पे ये स्लैक 0 रहता है, यानी यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे बिंदास आप 13 लिख सकते हैं, यहाँ पे आप 7 लिख सकते हैं, सीधा सीधा कोई स्लैक, यानी आपको लेटेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, दैट इज इजियर पार्ट, इजियर पार्ट। अभी यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ पे कैसे निकलेगा देखो, यहाँ पे 13 - 3 कितना निकलेगा, 13 - 3 10 यहाँ पे स्लैक निकलेगा। ओके यहाँ पे क्या निकलेगा स्लैक, यानी आराम, आराम है मेरे पास, इतना मेरे पास टाइम है, मेरे पास कितना टाइम है, 5 5 इसका टाइम है, अगर 5 दिन बोल सकते हैं या फिर 5 घंटे बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप, यानी आपके पास जो भी टाइम है वो 5 आपके पास बाकी है। ओके सो और यहाँ पे 17 - 5 17 - 5 इट इज 12 12 12 12, तो यहाँ पे 8 का स्लैक है, फिर 7 - 7 इट इज 0, मिनिमम लेना है ना, दैट इज 0। ओके तो स्लैक एट 3 एंड स्लैक एट 4, देखो स्लैक एट 2 स्लैक एट 5 स्लैक अबाउट 1 2 5 एंड 6 इट इज इक्वल टू 0, ये नोड्स है। ओके स्लैक अबाउट 3 इट इज इक्वल टू L माइनस E यानी 10 - 5 स्लैक अबाउट 4 इट इज इक्वल टू अगेन L माइनस E 12 - 4 8, गॉट इट, समझा क्या, ये बात बताओ अभी आप। समझ लगा हो सर। ओके द नेक्स्ट अपन कल टोटल फ्लोट वगैरह सब कुछ अपन कर लेते हैं, अगर मैं अभी लूंगा तो मैं 12 PM तक चले जाऊंगा, तो अपन यहाँ पे रोकते कर लेते इसको। ओके आप प्रीवियस गेट क्वेश्चन फॉर नेटवर्क्स के, नॉट अ CPM, नेटवर्क्स के पूरे सॉल्व कर रहे हो। ओके दैट इज, मैंने 1.7 लिखा है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, बट इट इज द CPM चैप्टर, तो ये सेकंड चैप्टर है आपका, इसे पकड़ लो CPM, CPM खत्म हो जाने के बाद पॉट, दैट इज नथिंग बट अ सेकंड चैप्टर। ओके ओके गाइस।